कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज है भाई दूज, और आज हम करने जा रहे हैं आयुषी की छठी की पूजा। तो आइए देखते हैं हमारे यहाँ छठी की पूजा कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि हमारी छठ पूजा की तैयारी कैसे चल रही है। और आप बताइएगा आपके यहाँ छठ पूजा की तैयारी कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे एक मिट्टी का दिया बनाया जाता है, जिसके ऊपर काजल को रख के उससे काजल बनाया जाता है। ये रस्म बच्चे की बहन या उसकी बुआ या मौसी करती है। और ये देखिए, यहाँ पे आयुषी की माँ भी तैयार हो गई है, और आयुषी अपने नानी के गोद में आराम कर रही है, और वो भी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है हमारी आयुषी, और कितनी प्यारी भी लग रही है, और अपने नानी के गोद में मस्ती कर रही है। यहाँ बच्चे की माँ को अच्छे से सजाया जाता है, पूरी श्रृंगार के साथ माँ पूजा में बैठती है। और ये जो देख रहे हैं आप दिए की तरह, यह आटा का होता है, दिए का ही आकार का बनाया जाता है। इसमें गाय का दूध डाला जाता है और एक मिट्टी का दिया जलाया जाता है साथ साथ, और बच्चे को कपड़े में लपेट कर उससे उसका माथा टेका जाता है। और फिर हम यहाँ आयुषी के हाथ से जो पढ़ाई का कोई भी लेटर होता है, ए क, ये सब लिखवा रहे हैं यहाँ। और ये देखिए, यहाँ आयुषी पेंसिल पकड़ने का नाम नहीं ले रही है, उसकी नानी बहुत कोशिश कर रही है लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होती है। फिर मैं इसे पेंसिल पकड़ाती हूँ और लिखवाती हूँ। और ये देखिए, आयुषी ने आखिरकार ए लिख ही दिया और क भी, ये देखिए। अब यहाँ आयुषी की माँ बैठ गई है आयुषी को गोद में लेकर, और यहाँ जो आटा का दिया बना था ना, उसके ऊपर थाल रखी जाती है और माँ को खिलाई जाती है। माँ के गोद में उस समय बच्चे को लेकर तब खाना खाती है। और इसमें चावल, दाल और 4-5 किस्म की पकौड़ी, सब्जी वगैरह बनती है। इसमें मछली भी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कार्तिक के बाद नॉनवेज नहीं बनता है। हमारे घर छठ पूजा होता है, इसलिए हमने मछली नहीं बनाई। और ये देखिए, आयुषी के पापा ठीक कर रहे हैं थाल को। और यहीं बैठे बैठे खाना होता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक दो बार मुंह में डाल के वहाँ से उठ भी सकते हैं, अगर खा सकते हो तो खा सकते हैं। प्रथा मानी जाती है कि इस खाना में से थोड़ा सा रख दिया जाता है ढककर, और सुबह उसमें से थोड़ा सा मुंह में डाल दिया जाता है, मतलब बासी करके खिलाया जाता है। ये देखिए, हम लोगों ने छठ पूजा में लगने वाली सूप और छोटे छोटे ये बास्केट होते हैं जिसे, और ये बड़ा सा एक दौरा, ये भी हम लोगों ने खरीदा है। और छठ पूजा में काम आने के लिए
जो पूजे में यूज़ होती हैं, ये सब हम छठ के समय ही इन बर्तनों का यूज करते हैं और फिर इसे रख देते हैं। उसे हम लोगों ने निकाल लिया है, बस इन सबको अब धोना बाकी है। इसे हम धो लेंगे और पूजा के दिन यूज करेंगे और थोड़े थोड़े करके ये। और ये सब छठ पूजा में लगने वाले फल वगैरह हैं, नारियल, बड़े वाले नींबू, जितने भी फल होते हैं जो मिलते हैं वो हम जितना रख सकते हैं उतना अर्घ में डालते हैं। और इस इन डब्बों में मैदा, सूजी, आटा, चीनी ये सब रखे हैं, जिससे हम छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाएंगे, जिसे हम ठिकुआ बोलते हैं और ठिकुआ और खस्ता बोलते हैं, जो भी बोलते हो। इन सब से बनेगी प्रसाद। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर, प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।